खाद बिना खेती हम लोग को नहीं हो रहा है आई एफ सी आई में गए वो बोल रहे हैं कि नहीं है पर शराब मिल जाता है बाकी खाद नहीं मिल थे रहा होम डिलीवरी होता है फोन करता है घर पर पहुंचा देता है आप गांव में शराब आपको शराबबंदी में आसानी से मिल सकता है किसान को खाद और बीज का मिलना बड़ा मुश्किल है ब्लैक को मैं बहुत महंगा कहता हूँ कहता दस बजे ग्यारह बजे रात में आइएगा तो देंगे तो देखा देंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज मेरा नाम अभिषेक है हम मुजफ्फरपुर जिले के ग्रामीण इलाके में हैं जहाँ पर खाद की किल्लत हो रही है लोग काफ़ी परेशान है किसान जो है वो काफ़ी परेशान है आप लगातार खबरें देख रहे हैं किसान परेशान हैं खाद की किल्लत को लेकर और सरकार बैठ के कर रही है लेकिन इसके बावजूद जो क्या हकीकत है ये हम जानने आए हैं क्या स्थिति है खाद की मिल रहा है खाद नहीं नहीं खाद नहीं मिल रही है नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है ब्लैक में तो मिल रहा है, सुने है? को मैं बहुत महंगा में कहता है और कहता है दस बजे ग्यारह बजे रात में आइएगा तो देंगे ना ना तो देंगे और ब्लैक में चल रहा है खेल हुँ. क्या स्थिति है चाचा बहुत खाद बाहर बव न हो रहा है जमीन सा वैसे खाली खेत है मिलवो करता है तो ब्लैक से मिलता है नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है मिलता है तो बिलेक से मिलता है ब्लैक से मिलता है हाँ खाद की किल्लत है किल्लत है किसान परेशान है बहुत परेशान है खेती हो पा रही है कि नहीं अब जो खाद रहेगा तो होगा ना उपजा ना होगा तो जब कहाँ से उपजा होगा क्या कहेंगे हाँ। क्या, क्या परेशानी है खाद की किल्लत है काफ़ी खाद लाने भी गए जाते हैं तो खाद जो है सो दुकानदार का कहना है जे सोलह सौ रुपया लेंगे डीएपी का और कहते हैं कि ठीक है सोलह सौ सो लीजिएगा तो सोलह सौ सो का रसीद काट कम हमको दे दीजिए तो कहता है कि नहीं तब मेरे पास खाद नहीं है तो ब्लैक में बेच रहा है ब्लैक में बेच रहा है क्या करें सब खेती खेती खेती, 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 खेती काफ़ी जरूर समय लेट हो गया है काफ़ी अब दिसंबर जो है सो अब बच नहीं गया से। ओ, अब इसके लिए काफ़ी लेट वर्क हो, हो, हो गई है खेत जो है सो जोता हुआ इसी खड़ा पड़ा हुआ है खाद खा क्या कहेंगे क्या क्या परेशानी आ रही है परेशानी है कि खाद बिना खेती हम लोग को नहीं हो रहा है आई यहाँ एफ सी आई में गए वो को बोल रहे हैं कि नहीं है क्या? एपस... हाँ गहूँ की खेती ऐसे नहीं, नहीं हो रहा है खेत से जो था ज्यादा पड़ा हुआ खाद लेने जाते हैं तो क्या कहा जाता है मल है भी ना करें है ही नहीं है क्या कहेंगे क्या परेशानी है खाद नहीं मिल है। रहा है हम लोग के खेती पिसवा रहा है यहाँ पर और कहीं खाद लाने जाते हैं तो कहता है खाद नहीं है और नौ सौ दस रुपया में क्या तो लेकिन यूरिया तो क्या हम तीन सौ रुपये मिलता है और कहते हैं कि ऐसे इसका पुर्जा काट के दीजिए कितना कहते हैं दो तो सौ छियासठ रुपया काटता है पुर्जा ये तो हो रहा है वो खेल चल रहा है खेल चल रहा है खाली ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है यहाँ और हम लोग के बहुत दिक्कत हो रहा है खाद बिना खाद बिना बहुत दिक्कत हो रहा है क्या कहेंगे क्या परेशानी है खाद के किल्लत के कारण किसान परेशान है और ब्लैक मेल चल रहा है इसलिए महंगाई के कारण है सो नहीं हो पा रहा है का खेती खेती नहीं हो पा रहा है किसानों का कहना है कि खेती नहीं हो पा रही क्या कहेंगे अभी जो है खाद का बहुत किल्लत चल रहा है मार्केट में खाद है वो करे जो लाइसेंसी लिए हुआ है वो जो है सो कहता है कि दो में आपको हम नहीं देंगे तीन सौ में देंगे यूरिया खाद और डी का बहुत ज़्यादा सोलह मांगता है इसलिए बहुत आदमी सक्षम नहीं है कि खेती कर सके सक्षम नहीं है क्या कहेंगे क्या परेशानी आ रही है खेती में खेती अब खेत जोत करके पड़ा हुआ है खेती हो नहीं रहा है डी ए के लिए गए हैं तो कहता है की शाम में आबा बिहने आबा आ कहता है कि अभी बिल कटब उतने के पैसा लबा सत्रह सोलह सौ सत्रह सौ कहीं कहीं उन्नीस सौ रुपया मांग रहा है खेत पोटास पोटास नहीं मिल रहा है हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष भी हैं ये पैक्स अध्यक्ष क्या कहेंगे क्या दिक्कत परेशानी हो रही है देखिए वर्तमान स्थिति यही है कि सारे कृषि विभाग के जो पदाधिकारी कर्मी हैं वो सारे लोग पुलिस विभाग की तरह शराब के प्रबंधन में जैसे पुलिस विभाग लगा हुआ है वैसे ही कृषि विभाग खाद और बीज के प्रबंधन के नाम पर लूट मचाए हुए हैं आप गांव में शराब आपको शराबबंदी में आसानी से मिल सकता है किसान को खाद और बीज का मिलना बड़ा मुश्किल है बहुत दुखद स्थिति है सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सरकारी संसाधनों से मालामाल हो रहे हैं आम जनता त्रस्त है किसान जो है विबस है लाचार है उसको कोई देखने वाला नहीं है तो क्या आप लोग का भी कह रहे हैं शराब मिल जाता है खाद नहीं मिलता है यहाँ पर शराब आसानी से शराब मिलता है अभी फोन करें मिल जाएगा यहाँ पर शराब मिल जाता है बाकी खाद नहीं मिल रहा क्या वही बात है शराब तो आसानी से मिल जाता है होम डिलीवरी होता है फोन करता है घर पर पहुँचा देता है जी लेकिन खाद नहीं मिल ने ने रहा, ने रहा। है क्या खाद नहीं मिल रहा नहीं शराब तो खुलियाम मिल रहा है पुलिस से इधर आया उधर चला गया हाँ। क्या शराब हाँ शराब मिलता है फोन कीजिए शराब आ जाएगा किसानों का खाद नहीं मिल रहा है न, किसान की खाद नहीं मिल रहा है एक्चुअल रबी उत्पादन के लिए यहाँ उर्वरक की आवश्यकता है लेकिन किसान भाई भी थोड़ा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं और हम लोगों को अनाज दलहन तेलहन की खेती के लिए उर्वरक प्राप्त होता है यहाँ कुछ क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में भी उर्वरक का अधिक खपत लोग हैं पहले जैसे हाफ कच्छा इकट्ठा था तो आज लोग पाँच किलो डाल देता है तो अधिक मात्रा में उर्वरक दे करके मिट्टी की संरचना को ख़राब कर रहा है हम लोग मिट्टी जाँच भी कर रहे थे पीएच बढ़ जाता है उसके जगह पर हम लोग जैविक खेती करने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं इस जिले में पर्याप्त संभावनाएँ हैं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं फिर भी जो टारगेट है उससे डी ए पी पोटास की उपलब्धि कम हुई है लेकिन सरकार के द्वारा इस संबंध में भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं और माननीय हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और मेरे स्तर से भी अनुरोध किया गया और अनुरोध पत्र भेजा गया था अब उर्वरक आना प्रारंभ हो गया है दो से तीन दिन में उर्वरक की समस्या को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे लेकिन किसान उर्वरक जिस तरह से अंधाधूम डाल रहा है तो हमारा टारगेट के अनुरूप अधिक मात्रा में उर्वरक वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा खाद की किल्लत है कृषि विभाग खाद की लूट खसोट में लगा हुआ है और बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब तो मिल जाती है लेकिन किसानों का क्या होगा किसानों को तो खाद ही नहीं मिल रहा है तो किसानों के साथ काफ़ी समस्या है किसानों को अपनी खेती करनी है समय बीत रहा है समय कम है लेकिन इसके बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रहा है वो काफ़ी परेशान है मायूस है एक तरफ बाढ़ निभिभीषका के कारण उनकी खेती बर्बाद हो गई और अब गेहूं की खेती करनी है तो उन्हें खाद ही नहीं मिल रहा है किसान करें तो करें क्या बने रहिए लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए फेसबुक पेज को लाइक करिए